हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी अभी नहा के उठी हूँ, मतलब पूजा कर ली हूँ, उधर मेरा पूजा हो चुका है। और चाय ना मैं बना के रखी थी, तो अभी ठंडा हो गया था तो मैं गर्म कर रही हूँ चाय को। और वो बनाई थी दही का जो सैंडविच होता है वो बनाई थी, तो वो गर्म कर रही हूँ। बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैं जा रही थी चाय बनाने, लेकिन चाय था तो मैं सोची बनाऊंगी नहीं, इसी को गर्म कर लूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बनाई थी। तो वो चाय जा रही हूँ अभी पीने। और ठंडी बहुत ज़्यादा इधर बढ़ गई है। अभी मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ, क्योंकि अभी पूजा करने जा रही, मतलब पूजा करके उठी हूँ ना। स्वेटर क्या है कि रोज़, मतलब रोज़ हम स्वेटर नहीं चेंज करते हैं, तो स्वेटर वही होता है, 3 दिन 4 दिन तक वही पहनते हैं एक ही स्वेटर को। तो इसलिए मैं पूजा करने के बाद ही स्वेटर फिर पहनती हूँ, या तो साफ स्वेटर पहनती हूँ तब पूजा करती हूँ। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी पूजा करके उठ गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं, स्वेटर पहनूंगी, चाय पीऊँगी। ठंडी बहुत ज्यादा है। ये हमारा चाय, इसमें ना कॉर्नफ्लेक्स डाल के मैं दी थी इनको, तो ये खाया नहीं थे, तो मैं वही जा रही हूँ अभी मैं खाने के लिए। और ये सैंडविच जो है ना बिल्कुल लूज हो चुका है। एक मिनट, लाइट बंद कर दूँ, लाइट बंद कर दूँ, खामोखा जलता रहेगा। और यहाँ की हमारी ना लाइट खराब हो गई है, लाइट नहीं जल रही है, इसलिए अंधेरा सा लग रहा है, लाइट नहीं जल रही है। अब मैं आराम से चाय पीऊंगी। अभी टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। अभी बच्चों को ना मैं स्कूल भेज दी हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं। लाइट नहीं आ रही है ना, अजीब सा, गेट भी नहीं खोली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर ठंडा है, तो इसलिए मैं गेट भी नहीं खोली। पर्दा हटा दूँ, थोड़ा सा उजाला आएगा, अभी थोड़ा सा आ रहा है उजाला। धूप नहीं हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है, बाहर ठंडी बहुत है। और मैं जाती हूँ ना बच्चों को स्कूल छोड़ने सुबह, तो इतने हाथ ठंडे है, इतना, आज तो ऐसे लग रहा था ना कि बारिश हो रहा है, ऐसे बूंदे सी आ रही थी फेस पे ना, बूंद बूंद सी आ रही थी, तो लग रहा था बारिश हो रहा है। और धूप नहीं निकला है, कुए सब बहुत ज़्यादा था, और ठंडा, गलन है बहुत, हवा चलता है और गलन वाली ना अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है, और बहुत ठंडा लगता है। और आज मुझे बनाना है गाजर का हलवा, गाजर ला के रखे हुए हैं, उसका हलवा बनाना है। मैं सोच रही हूँ चाय वगैरह पीने के बाद से ना फिर मैं हलवा बना लूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में ना, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। और अभी क्या है, सर्दी, मतलब सीजन चल रहा है, तो हलवा वगैरह चाहिए ही, फिर सीजन ख़त्म हो जाने के बाद खाने का मन नहीं होता। तो अभी मैं जा रही हूँ, फिलहाल हलवा बनाऊँगी, देखती हूँ। वैसे तो बनाना है मुझे, क्योंकि गाजर ख़राब हो जाएगा ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो उसका हलवा बनाना है। चाय वगैरह पी लूँ, फिर थोड़ा सा हाथ पैर सेक के उसके बाद से फिर मैं हलवा बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं ये गोभी का स्टफिंग रखा हुआ था, तो यहाँ बच्चे आए थे, तो मैं सोची ला बना के पहले इनको दे दूँ। तो यहाँ पे गोभी का पराठा और ये चाय बना के ना बच्चों को मैं दे दूँगी, तो ये लोग खा लेंगे। उसके बाद से ना ये मैं आ गई हूँ गाजर ये छीलने के लिए, क्योंकि गाजर भी ज़्यादा था, तो मैं सोची इसको छील लूँ। पहले 3 पन्नी में था, बहुत ज़्यादा लेके आ गए थे, और मेरा ना पूरा हाथ दर्द हो गया था यहाँ पे, तो वही मैं छील रही थी इसको, और साथ में अंश भी लग गया था ना, मतलब रोटी वगैरह। तो यहाँ अंश जो है कि गाजर कद्दूकस कर रहा है, और इसको हलवा खाना है। ये कल से बोल रहा है बना दो, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। अभी इस टाइम ये छीला है, मतलब पूरा नहीं छीला है, मैं भी छीली हूँ, और अभी बेचारा लगा हुआ है मेहनत करने में, क्योंकि हलवा खाना है गाजर का। दिखाओ सकल। और इधर जो है कि मैं इतना धो के ना रख दी हूँ बॉयल होने के लिए, तो अभी फिलहाल रखी हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ना बिल्कुल गल गया है, और इसको मैशर से ना मैश कर लेंगे। इसको गलने में, पकने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे ये मैं दूध डाल रही हूँ, और दूध की मलाई जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जितना था उतना मैं डाल दी थी, क्योंकि मलाई जमने नहीं पाया था दूध में, क्योंकि दिन में ही मंगा के गर्म करके रखी थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इतना ही दूध डाल दी हूँ, मलाई डाल दी हूँ, और यहाँ पे इसको अभी और मैश करूँगी मैं नीचे रख के ना, इसको फिर मैश करूँगी। और यहाँ पे मैश वगैरह करने के बाद से मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में डाली हूँ खूब सारा घी, खूब सारा क्या मतलब 2 चम्मच के करीब होगा ये घी। और बाकी यहाँ का ड्राई फ्रूट है, ये किशमिश है, बादाम है, काजू है, और ये नारियल, और ये क्या बोलते हैं इलायची, इन सबको एक साथ ही मैं डाल के इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं वरना जल जाएगा। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा, इससे क्या होना थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है कि चेंज हो जाता है। तो
काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी का ये जो हलवा है ना, इसी में डाल के इसको पूरा अच्छे से सुखा लेंगे, पानी भी सूख जाएगा और मैश कर देंगे। तो इसको मैशर से भी मैश करना है, इसके मतलब फ्राई करने के बाद से भी काफ़ी टाइम लग गया था और इतना ज़्यादा मेरा हाथ भी दर्द हो गया था। ऊपर से मैं डाल दूँगी यहाँ पर चीनी, चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से पलटे से चलाऊंगी, फिर मैशर से मैश करूंगी ताकि थोड़ा और ज़्यादा बारीक हो जाए, क्योंकि वैसे मैं कद्दूकस नहीं की थी तो थोड़ा सा मोटा मोटा था। वैसे ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ना हलवा ज़्यादा था तो इसलिए और भी हाथ दर्द हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा हलवा बस बनने ही वाला है, हो गया है ये। थोड़ा सा और पानी इसमें जलाऊँगी मैं, और खोआ भी डाल के बनाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे दूध डाल के बनाई हूँ। दूध में जो मलाई था वो, उससे भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। और मतलब टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन मेहनत थोड़ा कम, क्योंकि जो कद्दूकस करने में मेहनत लगता है ना, वो ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसको मैं चाकू से गोल गोल काट के ही इसको बस उबाल के और बना दी थी। बाकी इसमें मेरे को खोया डालना होगा तो खोया मैं ऊपर से डाल के वो कर दूँगी। वैसे तो मैं डाली नहीं हूँ, दूध से ही मेरा हो गया था अच्छा से। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और बनता भी मतलब अच्छे से बन जाता है।